हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये क्लास 8 में पढ़ रहे बच्चों के लिए है, क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है। बॉक्स में यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी और यहाँ पे भी क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी नहीं, एक्चुअली ये क्या होगा, ये रेट होगा, ये क्या होगा, रेट होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है, 1 से 2 जा रहा है, तो यहाँ पे रेट भी बढ़ रहा है। फिर क्वांटिटी बढ़ा, फिर यहाँ पे देखिए रेट बढ़ा, और फिर यहाँ क्वांटिटी बढ़ा, तो फिर यहाँ पे रेट बढ़ा। मतलब मेरा समझाने का तात्पर्य है कि एक वैल्यू के बढ़ने पे उसका अल्टरनेटिव वैल्यू जो रहेगा वो भी अगर बढ़ता है, तो ऐसा जो प्रोपोर्शन हम लोग को मिलेगा उसे हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए, अगर आप एक पेंसिल खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि एक पेंसिल है, ठीक है, और उसका दाम 5 रुपया है। उसका दाम क्या है, 5 रुपया है। आप अगर 2 पेंसिल खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको घर से कितना लेके जाना पड़ेगा, 2 रुपया। तो पेंसिल का अमाउंट, अगर पेंसिल का अगर क्वांटिटी बढ़ा तो जो अमाउंट है वो भी बढ़ा। तो एक चीज बढ़ने पे क्या हो रहा है, दूसरा चीज भी बढ़ रहा है। एक चीज के बढ़ने पे क्या हो रहा है, दूसरा चीज भी बढ़ रहा है। और एक चीज मैं बता दूं, अब इसी का एग्जांपल देके, कि मान लीजिए कि आप 5 कैंडी लेके आए हैं 50 रुपया में, 5 चॉकलेट लेके आए हैं 50 रुपया में, और अगर आप एक चॉकलेट चाहिए तो उसको कितना रुपया चाहिए आपको, 10 रुपया चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ कि क्वांटिटी घटने पे, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी घटा, 5 चॉकलेट के बजाय 1 चॉकलेट आप खरीदने गए, तो पैसा भी कम लगा, 50 रुपये का जगह 10 रुपये लगा। तो उसी प्रकार से अगर एक क्वांटिटी का बढ़ने से दूसरा अल्टरनेटिव क्वांटिटी बढ़ता है, और एक क्वांटिटी का घटने से दूसरा अल्टरनेटिव क्वांटिटी भी घटता है, तो ऐसा प्रपोर्शन को हम डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। ऐसा प्रपोर्शन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में मैंने लिख के भी रखा है, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, और व्हेन वन क्वांटिटी इज डिक्रीज द अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, इसका अगर मैं रेशियो निकालूं, जैसे देखिए यहाँ पे पहला वाला वैल्यू देखिए, आप इसको पकड़ लीजिए कि ये आपका X1 है और ये आपका Y1 है। ठीक है, और इसको आप पकड़ लीजिए कि ये आपका X2 है और ये आपका Y2 है, और इसको आप पकड़ लीजिए कि ये आपका X3 है और ये आपका Y3 है, और इसको आप पकड़ लीजिए कि ये आपका X4 है और ये आपका Y4 है। तो अगर हम लोग X1 by Y1 लिखे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/100 होगा। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे X2 by Y2 लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2/200 हो जा रहा है। अब गौर करिए, 2/200 को अगर हम लोग काटेंगे, इसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो यहाँ पे 2 बन जा और यहाँ पे 200 जा 200, मतलब कि घूम फिर के यहाँ पे X2 by Y2 का वैल्यू भी हम लोग को क्या मिल रहा है, 1/100 मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग आगे देखें, और X3 by Y3 का वैल्यू अगर निकाले, तो X3 कितना है, 3 है, और Y3 कितना है, 300 है। तो अगर मैं 3 से इसको काटूं तो 3 बन जा और फिर 300 जा 300, तो यहाँ पे भी हम लोगों को 300 जा 300। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे को 1/100 मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गौर करिए, X1 का वैल्यू 1/100 आया, फिर X2 Y2 का वैल्यू भी आपका 1/100 आया, और X3 और Y3 का वैल्यू भी 1/100 आया। और सिमिलरली अगर X4 और Y4 का वैल्यू को भी अगर आप लिखेंगे 4/400, और इसका लोएस्ट फॉर्म में यहाँ पे आप काट के देखिए, तो हमको 1/100 ही मिल रहा है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर दोनों क्वांटिटी का हम लोग रेशियो निकाले, ठीक है ना, ऐसे करके, तो
तो ये क्या होगा, हर एक क्वांटिटी का रेशियो के साथ, मतलब एक्स वन बाय एक्स टू इक्वल टू एक्स वन बाय एक्स टू नहीं, एक्स वन बाय वाई टू, फिर एक्स टू बाय वाई टू, ये सारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप ऐसा भी समझ लीजिए, ये सारा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं इसको अल्टरनेटिव ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर दो क्वांटिटी जैसे कि एक्स वन और वाई वन, अगर ये वाई वन अगर ये एक्स टू और वाई टू बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई जो वैल्यूज है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो आई होप कि आप सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझे होंगे, आई होप कि आप लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझे होंगे। और कुछ समझाना है वो भी मैं समझा देता हूँ, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल यहाँ पे इतने रन देते, फिर हम लोग पहले इनडायरेक्ट थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ना। तो देखिए इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है, तो उसका अल्टरनेटिव जो होगा वो घट जाता है, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे यहाँ पे वन है तो ये बढ़ के क्या हो जा रहा है, ये टू हो जा रहा है, और यहाँ पे 10 है तो ये क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे मेन लिखा है, और यहाँ पे मैंने डे लिखा है, यहाँ पे मैंने मेन लिखा है और यहाँ पे मैंने डे लिखा है। अब देखिए मान लीजिए कि एक दीवार है, और इस दीवार को कोई एक बंदा पेंट कर रहा है, और उसको पेंट करने में, पूरा दीवार को पेंट करने में 10 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 10 दिन लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे बंदों का क्वांटिटी बढ़ा दूं, बंदों का क्वांटिटी बढ़ा दूं, अब दो बंदा मिलकर काम कर रहा है, तो जाहिर सा बात है, और ये जितना स्पीड में काम कर रहा था ये भी उतने स्पीड में काम कर रहा है, तो क्या होगा, तो ये जो 10 दिन लग रहा था ये घट के क्या हो जाएगा, ये 5 दिन लगेगा। मतलब यहाँ पे बंदों का संख्या बढ़ने पर यहाँ दिन जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसा जो प्रपोर्शन होगा उसे हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे दो आदमी था, अब यहाँ दो से पांच आदमी हुआ, तो फिर यहाँ पे दिन और कम हो गया, और पांच से फिर 10 आदमी अगर बढ़ा तो दिन और कम हो गया। तो एक क्वांटिटी का बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी अगर घट जाता है या घटने से बढ़ जाता है, तो ऐसा प्रोपोर्शन को हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, व्हेन व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर रिलेटेड क्वांटिटी डिक्रीज और वाई वर्सा, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब और एक चीज देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम लोग पकड़ ले कि ये एक्स वन है और ये वाई वन है, ये एक्स टू है और ये वाई टू है, ये एक्स थ्री है, ये वाई थ्री है, और ये एक्स फोर है और ये वाई फोर है, ऐसा हो तो क्या होगा कि अगर इनका प्रोडक्ट निकाला जाए, जैसे कि मैं यहीं अगर दिखा दूं, अगर 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। फिर 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। फिर 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि एक्स वन को अगर हम लोग वाई वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है ना, 1 × 10, 1 × 10 विच गिव मी 10। उसी प्रकार से जब हम लोग एक्स टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई टू से, तो कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है ना। देखिए 2 × 5 दैट गिव आल्सो 10। तो इस प्रकार से इनका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा, इनका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकेंगे कि ये जो प्रोपोर्शनल होगा ये आपका इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट में क्या था, रेशियो आपका इक्वल हो रहा था, एक्स बाय वाई जो रहेगा दैट विल गिव द सेम वैल्यू, मतलब कांस्टेंट मिलेगा हमको। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स और इनटू वाई कर दे तो दैट विल गिव ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे मैं फिर एक बार पढ़ देता हूँ दोनों को, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज
रादर रिलेटेड क्वांटिटी डिक्रीज और वाइस वर्सा, मतलब कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा, और वाइस वर्सा मतलब उसका अपोजिट, अगर कोई क्वांटिटी घटता है तो दूसरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा प्रोपोर्शन को हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। और यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या देखे, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, और वन क्वांटिटी डिक्रीज द अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज। और इस प्रकार का जो भी प्रोपोर्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ मैं आ जाता हूँ और इसको थोड़ा से हम लोग बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं, और इसको पकड़ के अगर मैं ऐसे करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। पहले आप ध्यान दीजिएगा कि वो डायरेक्ट पूछा है कि इनडायरेक्ट पूछा है। अब यहाँ पे आप देखिए गौर से, ये डायरेक्ट पूछा गया है, तो डायरेक्ट का पता करने के लिए क्या करना होगा, मेरे को रेशियो निकालना होगा और चेक करना होगा कि इनका रेशियो जो है वो सबका बराबर आ रहा है कि नहीं। आप पकड़ लीजिए कि ये मान लीजिए ये आपका है X1 और ये आपका Y1, ये आपका X2 और ये आपका Y2, ये आपका X3 और ये आपका Y3 और ये आपका X4 और ये आपका Y4। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए X1 by Y1 कितना है, 11/20 है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ X2 by Y2 कितना है, X2 by Y2 जो है वो 22/40 है, जिसे अगर हम काट दे तो क्या हो जाएगा, 11/20 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 11/20 हो जा रहा है। यहाँ पे मैं 11 और यहाँ पे मैं 20 लिख दूँ और इक्वल टू कर दूँ तो अच्छा लगेगा देखने को। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं X3 by Y3 लिखूं, और यहाँ पे इसका अगर मैं वैल्यू लिख दूं कि भैया इसका वैल्यू 33/60 है, और अगर इस 3 का टेबल से हम काट देते हैं तो 11/20 मिलता है। तो यहाँ पे भी मेरे को 11/20 मिल रहा है। एंड अगेन अभी हम लोग यहाँ पे देखे X4 by Y4 तो क्या मिलेगा हमको, 44/80, 44/80, और इसको 4 का टेबल से काटने पे 11/20, ठीक है, कितना मिला हम लोग को, 11/20, 11/20। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि भाई हम लोग जब इसका रेशियो निकाले, हर एक दोनों क्वांटिटी का जब रेशियो निकाला गया तो यहाँ पे हम लोग देखे, ऑब्जर्व किए कि वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए X1 by Y1 विच इज इक्वल टू X2 by Y2 एंड दिस इज इक्वल टू X3 by Y3 एंड दिस इज इक्वल टू X4 by Y4 इक्वल टू 11/20, ठीक है। तो दैट लिख दे, या फिर डायरेक्ट यहां मैं लिख देता हूँ, देयरफोर इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, या प्रोपोर्शनलिटी, जो भी आपको चेक करना समझ में आ गया होगा, बस यही है। अब लिखने का तरीका तो दुनिया भर का है, आप बुक से भी देख के लिख सकते हैं, ठीक है ना। मेरा मकसद आप लोगों को समझाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और एक देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा मैं जूम अगर कर लूँ, इतना ज़्यादा हो गया क्या, एक बार देखते हैं, ठीक है चलेगा। अब यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ बोला जा रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटी इज इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है क्या ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसके लिए क्या करना होगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको X1 ले लेते हैं, इसको X1, इसको Y1 ले लेते हैं, इसको X2 ले लेते हैं, इसको Y2 ले लेते हैं, इसको X3 ले लेते हैं और इसको Y3 ले लेते हैं, इसको X4 ले लेते हैं और इसको Y4 ले लेते हैं। अब इनका प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं कि क्या कांस्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स X1 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे Y1 के साथ तो क्या मिलेगा भाई मेरे को, 10 × 12 दैट गिव मी 120। अब नेक्स्ट वाला वैल्यू देखेंगे X2 × Y2
एक्स टू इंटू वाई टू दैट मीन्स 5 × 24, 5 × 24 तो 5 × 4 = 20 और 5 × 2 = 10 और 2 पहले से था तो 120, तो यहाँ पे भी 120 मिला। एंड अगेन अब हम लोग देखेंगे कि क्या X3 को Y3 से मल्टीप्लाई करने से 120 आ रहा है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग 30 से तो जाहिर सा बात है क्या मिलेगा हम लोग को, 120 ही मिलेगा। देन हम लोग X4 को Y4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, X4 को Y4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 6 × 20 दैट गिव आल्सो 120। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि इनका जब प्रोडक्ट निकाला जा रहा है तो क्या वैल्यू मिल रहा है, कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल रहा है। दैट मीन्स X1 को जब Y1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया और जब X2 को Y2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया और जब X3 को Y3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया और जब X4 को Y4 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, जो वैल्यू मिला वो क्या था, 120 था। मतलब सबका एक ही वैल्यू था, कांस्टेंट था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर फोर इट इज इनडायरेक्ट, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखे, फिर हम लोग ये क्वेश्चन देखे और अब हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। मतलब देखिए यहाँ पे ये जो ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट बोल सकता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। और यहाँ पे डायरेक्ट मैं अगर बोलूँ कि सिंस एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रपोर्शन तो एक्स बाय वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू मिलेगा हम लोग को वो क्या मिलेगा, हम लोगों को कॉन्स्टेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो X1 और Y1 का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये हमारा X1, ये हमारा Y1, ये हमारा X2, ये हमारा Y2, ये हमारा X3, ये हमारा Y3, ये हमारा X4 और ये हमारा Y4, ये हमारा X5 और ये हमारा Y5 है ना। इन सबका वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा ना। सबका वैल्यू मतलब क्या, इनका रेशियो निकालेंगे। तो X1 by Y1 इक्वल टू X2 by Y2, ऐसे ही होगा ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ, X1 by Y1 वैल्यू तो पता है हम लोगों को, इसका 10/25 है। इसको और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इसको शॉर्ट कर लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10। तो यहाँ मेरे को मिल गया 2/5, सॉरी क्या मिल गया, 2/5। अब करना क्या है, कुछ नहीं भाई, इसी को कंपेयर करके सबके साथ हम लोग निकाल देंगे वैल्यू। देखिए कंपेयर करके मतलब नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, ए का वैल्यू निकालना है ना। तो सबसे पहले यहाँ ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे अगर लिखूँ अगेन, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि X1 by Y1, या फिर ऐसे लिख देते हैं X2 by Y2 का वैल्यू जो होगा वो तो X1 और Y1 का वैल्यू के साथ बराबर होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए X2 का जो वैल्यू है ना वो क्या है, X2 का वैल्यू जो है वो क्या है, वो है आपका 20 है, और Y2 का वैल्यू जो है वो क्या है, ए है, और X1 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ 2 है, मतलब उसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म में रख दिए, तो ये 2 हो गया और ये आपका 5 हो गया ना, 2/5। तो
अब इसको अगर हम लोग और सॉल्व कर दे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 20 इंटू 5, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए। अब अगर मैं इसको पूरा उठा के यहाँ लेके आ जाऊँ, दैट मीन्स 2 इंटू ए, और इसको उठा के पूरा वहाँ रख दूँ 20 इंटू 5, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और उसके बाद में अब ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5 बाय 2। और अभी मैं अगर काट दूँ तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 10 जा, क्या हो गया, 2 10 जा 20, और फिर 10 5 जा, क्या मिलेगा हम लोग को, 10 5 जा मिल जाएगा हम लोग को 40, ठीक है ना। 10 5 जा, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 5 जा 50, इसका वैल्यू क्या आएगा, 50 आएगा। उसी प्रकार से अब आगे का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब आगे क्या है, आगे है b बाई 100, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ अगेन, और b बाई 100 इक्वल टू क्या करना है, 2 बाई 5 के साथ कंपेयर करा देना है। तो b इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100, और नीचे में 5 ऐसे ही रहेगा, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 5 20 जाना, 5 20 जा, हाँ, तो ये आपका आ जाएगा 40, ठीक है, 2 20 जा। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ अगेन, एंड देन अब नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या है, c बाई 125। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करा दें किसके साथ में, 2 बाई 5 के साथ में, तो क्या होगा, c इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 125 बाय 5, ठीक है। और अभी अगर हम लोग काट दें, ठीक है, इसको इसके साथ में, तो कितना हो जाएगा, 5 को काटेंगे तो 5 2, और ये 25 हो जाएगा, और उसके बाद में हमको सी का वैल्यू 50 मिल जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 25 50 होता है। अब उसी प्रकार से फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन, ठीक है ना, एंड देन 70 बाई डी, यही है ना। तो 70 बाय डी को हम लोग किससे कंपेयर कर देंगे, 2 बाय 5 से कंपेयर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 इंटू 5 इजिकल टू 2 इंटू डी। और उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 इंटू डी को पूरा मैं यहाँ लेके आ जाऊँ, और 70 इंटू 5 को मैं पूरा ले जाऊँ वहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर मैं डी को यहाँ रखूँ, और यहाँ पे 70 इंटू 5 लिखूँ और बाय 2 कर दूँ, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर मैं काटूँगा यहाँ क्या मिलेगा मेरे को, देखिए यहाँ मेरे को मिलेगा 35 मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ मेरे को, 35 मिलेगा, इसका आधा ना। और इसको अगर मैं अभी मल्टीप्लाई कर दूँ, 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, 5 5 जा 25, 2 हाथ में है, और फिर 5 3 जा 15, तो ये 175 मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, 175। तो आई होप ए बी सी डी सबका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, और इसको फिर से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम हो गया, इतना भी नहीं करना है। और अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोग को क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, और ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी और सी। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि सिंस सिंस एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
मतलब इनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो क्या मिलेगा मेरे को, कांस्टेंट मिलेगा। अब यहाँ पे ये इसको हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा एक्स वन है और ये हमारा वाई वन है, ठीक है। तो अगर इसका पहले हम लोग प्रोडक्ट निकाल ले, ठीक है ना, नाउ एक्स वन इंटू एक्स वाई वन जो है उसका प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे तो कितना नहीं होगा, 8 × 25। 8 × 25 मतलब 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16, मतलब कि ये मिलेगा हम लोग को 200। क्या मिलेगा हम लोग को, 200 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं ए का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगेन लिख देते हैं हम लोग ऐसे करके, अगेन सूट नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ, ठीक है ना। नाउ अगर यहाँ पे हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो क्या मिलना चाहिए भैया, 200 मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक्स वन इंटू वाई वन का वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगा एक्स टू इंटू वाई टू के वैल्यू के साथ में। क्यों, क्योंकि ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रकार से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200/10 हो जाएगा, और इसको हम लोग काटेंगे तो ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, इसी प्रकार से हम लोग आगे का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आगे का वैल्यू क्या है, 10/a है, तो मैं यहाँ पे अब लिख सकता हूँ अगेन AGAIN, अगेन यहाँ पे क्या है, B × 50 है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ B × 50 भी क्या होगा, इक्वल होगा किसके साथ में, 200 के साथ में। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200/50 हो जाएगा। अब 200/50 मतलब ये ऐसे कट गया, और यहाँ पे 5 4 जा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा बी का वैल्यू। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन, एंड अभी मेरे यहाँ पे निकालना है सी का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C × 40। C × 40 क्या मिलेगा भैया, क्या होगा, 200 होगा। क्यों होगा, तो ऊपर में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था रीजन। तो अब यहाँ पे देखिए, C इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200/40, 200/40, तो ये 0 0 कट जाएगा, और 4 का टेबल में ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 5 = 20, 4 5 = 20। तो इस प्रकार से हम लोग ए बी और सी ये तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। अब चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो गायब ही हो गया। हाँ देखिए, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ इज 155, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर। अभी देखिए, अगर आप, मैंने आपको बताया था कि अगर आप, अगर एक पेंसिल का दाम 5 रुपया होता है तो दो पेंसिल का दाम कितना होगा, 10 रुपया होगा। तीन पेंसिल का दाम कितना होगा भैया, 30 15 रुपया होगा। तो ये बढ़ रहा है ना, एक क्वांटिटी का बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 5 मीटर का दाम अगर 155 है तो 13 मीटर का दाम क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ही। दैट मीन्स ये जो है, ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, ये आपका किस में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करूँगा, मैं यहाँ सिंपल लिख दूंगा, लेट लेट रुपीज एक्स, लेट रुपीज एक्स इज द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर क्लोथ, 13 मीटर CLOTH क्लोथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा मीटर, ठीक है ना, एम मीटर, ठीक है, और ये हमारा स्मॉल एम यहाँ लिख देता हूँ मैं,
और दूसरा यहाँ मैं बना देता हूँ कोस्ट, COST कोस्ट, और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ RS, ठीक है। अब मीटर, यहाँ पे 5 मीटर का दाम कितना आ रहा था भैया, 155 आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 13 मीटर का, मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 13 मीटर का दाम कितना होगा, 13 मीटर का दाम कितना होगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, और एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसे तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख के कर सकता हूँ, मगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी ये अगर डायरेक्ट में मिले आपको, क्या मैं मिले डायरेक्ट में, डायरेक्ट प्रपोर्शन अगर है, क्या है अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, क्लोज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट मीन्स 5x मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, और यहाँ पे क्या आ गया, 13 × 155 आ गया। अब यहाँ पे x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 13 × 155 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब 5 का टेबल से ये 155 कट जाएगा, मतलब 5 3 जाएगा 15 और फिर 5 1 जाएगा। अब इसको अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई मैं करूँ 31 से तो क्या मिलेगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और फिर यहाँ पे 1 और 3 ये हो गया 301, मतलब 403 मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। 403 मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर क्लोथ, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर ऑफ क्लोथ, COTH क्लोथ इज ₹403, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले तो समझिए ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर 35 आदमी मिलकर किसी दीवार को 15 दिन में खड़ा करता है, खड़ा करता है ना, हाँ वही बिल्ड करता मतलब बनाता है, तो देन हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम वॉल। देखिए क्वेश्चन में देखिए, सेम वॉल इन 25 डेज। अब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर एक वॉल है और उसको एक बंदा कोई पेंट कर रहा है, अगर एक बंदा कोई इसको पेंट कर रहा है और वो अगर 10 दिन लगाता है, तो जाहिर सा बात है अगर बंदा यहाँ पे मैं बढ़ा दूँ, 2 कर दूँ, तो ये 10 के बजाय क्या होगा कि ये 5 दिन लगेगा, ठीक है ना। दोनों का अगर वर्किंग कैपेसिटी सेम है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि ये 10 का बजाय 5 दिन में काम को पूरा कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे बंदों का क्वांटिटी बढ़ा, भैया आदमी का क्वांटिटी, दिन का क्वांटिटी घट गया। और यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार से होगा कि अगर 35 आदमी मिलकर ये 15 दिन में बना रहा था, तो यहाँ आदमी घट गया है भाई, 35 का जगह क्या हो गया है, नहीं नहीं आदमी नहीं, यहाँ पे दिन क्या हो गया, बढ़ गया है। तो जाहिर सा बात है अगर दिन बढ़ा है तो इसका मतलब आदमी का वैल्यू घटा होगा, आदमी का वैल्यू घटा होगा। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि 5 आदमी होता कोई काम को कर रहा होता, 5 आदमी किसी काम को कर रहा होता, तो अगर ये काम को करने में मान लीजिए कि 10 दिन लगता, कितना दिन लगता, 10 दिन लगता, तो यहाँ से अगर मैं 2 आदमी को हटा दूँ, यहाँ से अगर मैं 2 आदमी को हटा दूँ और 3 आदमी मिलके ये सेम काम को करे, तो जाहिर सा बात है कि 10 दिन से ज़्यादा इस काम को पूरा होने में लगेगा, 10 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा इस काम को पूरा होने में, ठीक है। तो बस समझाने का बात ये था कि यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ने पे दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि 35 आदमी है, क्या है ये 35 आदमी है, 2 आदमी का क्वांटिटी नहीं दिया हुआ, अगर दिन का क्वांटिटी यहाँ क्या दिया हुआ है, 15 और ये 25, तो यहाँ पे आदमी का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। और ये क्या है आपका, एक इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है, ये क्या है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। इनडायरेक्ट में हम लोग पढ़े भी थे कि एक का बढ़ने पे दूसरा अगर घटता है तो ऐसा प्रपोर्शन को हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ सबसे पहले कि सॉल्यूशन,
और उसके बाद यहाँ मैं लिख दूंगा निकालना क्या है, वो देखिए मेन निकालना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट एक्स मैन कैन बिल्ड बिल्ड दिस वॉल, बिल्ड दिस वॉल इन 25 डेज। मतलब हम लोग मान के चले कि भैया एक्स नंबर ऑफ मैन होगा जो इस वॉल को 25 दिन में बनाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मैन, और यहाँ पे मैं लिख दूँ डे, और ऐसे कर दूँ, और उसके बाद यहाँ पे अब लिख देते कि भाई 35 आदमी था तो इस दीवार को खड़ा करने में 15 दिन लग रहा था। अब आदमियों का संख्या क्या होगा, अगर ये जो दिन है बढ़ गया, तो दिन बढ़ गया इसका मतलब ये है कि आदमियों का संख्या क्या होगा, घटेगा ना। ठीक है, वो बात की बात है। अब हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शनल होने से, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, उसी प्रकार से इनवर्स प्रोपोर्शनल होने पे क्या करना होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा कि 25 × x इज इक्वल टू 35 × 15, इस तरह से। तो ये मेरे को क्या देगा, x इज इक्वल टू 35 × 15 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं काटूँ 5 का टेबल से तो 7 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, और फिर 5 का टेबल से कटेगा तो ये 3 आ जाएगा, और पूरा वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 21 मैन कैन बिल्ड दिस वॉल इन 25, 25 ना, हाँ 25 डेज। ठीक है, तो अगर आप सबको ये मैथ समझ में आया हो, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।